बारिश का असर प्याज और आलू की आवक पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पिछले 5 दिनों से प्याज के दाम करीब 2 गुना हो गए हैं। थोक मंडियों की बात की जाए तो थोक मंडी में प्याज 30 से 36 रुपए किलो तो वहीं फुटकर मंडी में प्याज 35 से 45 रुपए किलो के बीच बिक रहा है। पिछले कई महीनों से प्याज की कीमत 20 रुपए किलो के आसपास थी, वहीं शुक्रवार को 5 रुपए का बड़ा उछाल आया और प्याज की कीमत 25 रुपए किलो तक पहुंच गई। वहीं शनिवार को फिर 5 रुपए बढ़ गए, प्याज की कीमत 30 रुपए किलो तक पहुंच गई। मंगलवार को मंडियां खुली तो प्याज की कीमत 36 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। वहीं बुधवार में प्याज 40 रुपए प्रति किलो बिका और इसका असर फुटकर बाजारों पर भी दिखाई दिया। फुटकर में भी प्याज की कीमतें 35 से 45 रुपए किलो के बीच में देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि बारिश की वजह से प्याज की फसल ज़्यादा खराब हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में प्याज की नई फसल बारिश से खराब हुई है। कर्नाटक के साथ नासिक में भी प्याज खराब होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। ऐसे में कर्नाटक नासिक में प्याज खराब होने का असर कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी में कारोबारियों का कहना है कि देश भर में हो रही बारिश के कारण इन दिनों प्याज की आवक कम हो रही है। ऐसे में इसका असर प्याज के दामों पर पड़ रहा है और प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।